हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एमएस आउटलुक के लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल लुक वाला ईमेल सिग्नेचर क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, इसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसमें मैंने लिंक्स ओपन करने के लिए आइकन भी लगाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल क्रोम में जाकर एक लिंक टाइप करना है, जिसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक को टाइप या पेस्ट करने के बाद एक माइक्रोसॉफ्ट साइट का ईमेल सिग्नेचर गैलरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको फाइल को ओपन करना है। यह एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, जिसमें ईमेल सिग्नेचर के कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, हमें जो भी सिग्नेचर का टेम्पलेट लगाना है उसे हम कॉपी कर लेंगे और एक न्यू फाइल में पेस्ट कर लेंगे। मैं सबसे पहले सिग्नेचर 1 को कॉपी कर लेता हूँ। इसी में ही हम अपना सिग्नेचर बनाएंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट के ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हमें 1 by 1 अपनी डिटेल्स एडिट करके डालनी है। तो सबसे पहले हम अपनी फोटो चेंज कर लेते हैं। फोटो पर आपको राइट क्लिक करना है। एक चेंज पिक्चर का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको दिस डिवाइस को सेलेक्ट करना है। एंड आपकी जहाँ भी फोटो रखी हुई है उसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप इसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट को क्लिक करना है एंड एक ऑप्शन आएगा क्रॉप का, जिसे आपको क्लिक करना है एंड क्रॉप टू शेप में जाना है। एंड आपको जो भी शेप में फोटो को क्रॉप करना है उसे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर फॉर्मेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर फॉर्मेट को क्लिक करता हूं एंड उसके बाद नेम की जगह अपना नाम टाइप करना है एंड जो भी आपका डेजिग्नेशन है उसे उसके नीचे टाइप करना है। अपना फोन नंबर डालना है एंड अगर आप मोबाइल नंबर भी डालना चाहते हैं वो भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपको उसे टाइप करना है एंड अपना ईमेल एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन में आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। इसकी थोड़ी अलाइनमेंट को सही कर लेते हैं। अगर आप अपने और भी आइकन इंसर्ट करना चाहते हैं लिंक के लिए, तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना है एंड एक वेबसाइट है आइकन फाइंडर के नाम से, जिसे आपको टाइप करके ओपन करना है। एंड अब आपको जो भी आइकन डाउनलोड करने हैं वो इधर टाइप करना है। तो मैं लिंक इंडियन का आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी आइकन पसंद है उसे सेलेक्ट करना है एंड एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जिसे आपको सेलेक्ट करना है आइकन फॉर्मेट में। अदर्स में जाके आइकन फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। चलिए फेसबुक का आइकन भी डाउनलोड कर लेते हैं एंड उसके बाद इंस्टाग्राम का आइकन डाउनलोड करते हैं एंड लास्ट में यूट्यूब का आइकन भी डाउनलोड कर लेते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अगेन वर्ड डॉक्यूमेंट में जाना है एंड 1 by 1 आइकन को राइट क्लिक करना है। देन चेंज पिक्चर में जाना है, दिस डिवाइस को सेलेक्ट करना है एंड एक एक करके डाउनलोड हुए आइकन को सेलेक्ट करते जाना है। एंड अब आप अपने लिंक को 1 by 1 कॉपी करते जाना है, वेबसाइट लिंक को, एंड इन आइकन्स में एडिट करके पेस्ट करते जाना है। तो सबसे पहले मैं अपना लिंकडइन का लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड लिंकडइन के आइकन को राइट क्लिक करके एडिट लिंक में जाना है एंड एड्रेस में पेस्ट कर देना है एंड लास्ट में ओके दबा देना है। इसी तरह से एक एक करके सारे लिंक को कॉपी करते जाना है एंड एडिट करके उसमें पेस्ट करते जाना है। थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग और ठीक कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट के कलर को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं।
एंड लास्ट में एक बेस्ट रिगार्ड्स का इमेज भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। गूगल क्रोम में जाना है, विद बेस्ट रिगार्ड्स पिक्चर लिखकर टाइप कर देना है एंड एक बेस्ट रिगार्ड वाली इमेज को कॉपी कर लेना है जो भी आपको पसंद है एंड वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर सबसे टॉप पर उसे पेस्ट कर देना है। अपने अकॉर्डिंग इसको आप रिसाइज कर लेते हैं। तो अब हमारा सिग्नेचर बनकर तैयार हो गया है, इसे कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद आउटलुक ओपन करना है, न्यू ईमेल को सेलेक्ट करके इंसर्ट ऑप्शन में जाना है एंड सिग्नेचर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको न्यू टैब को सेलेक्ट करना है, देन उसमें अपने सिग्नेचर का नाम देना है SR2 एंड यहाँ पर सिग्नेचर बॉडी में उसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है अपने सिग्नेचर को। आप चाहे तो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेटिंग में एडिट कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड अब सेव ऑप्शन को क्लिक कर देना है, देन एक न्यू मैसेज का ऑप्शन आएगा, उसमें अपने सिग्नेचर को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके सेव कर देना है ताकि जब भी आप कोई भी नई ईमेल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली मेल बॉडी में आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं आपके लगाए हुए लिंक भी काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर क्रिएट करना आ गया होगा एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।